पिछले कुछ देर से हम इसी रास्ते पे चल रहे हैं अपने आप से ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ रोड है कहाँ नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पे ट्रैवल करने वाला भी कोई नहीं। यहाँ की लोकेशन अपना एक अलग व्यू दे रही है, कितनी सुंदर। फिलहाल टीडी कैफे एंड रेस्टोरेंट यहाँ पे पहुँच गए, उधर गए थे वहाँ दुनिया भर के बहुत सारे एनिमल्स पता नहीं वाइल्ड हैं कौन से। Taste of sweat, I won't have any regrets. They get upset when they trying just to rest, and I'm still right at my desk, make them all feel so pressed. Yeah, but that's the test. If you wanna be the best, it ain't easy, it's a mess. If you wanna have success, you keep going like possessed, drive it deep into your chest. Every failure is a test, learn the most, leave the rest. ईमानदार से यार, रास्ते सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं तामझाम वाले, कुछ नहीं है, मतलब कुछ कहीं है कुछ कहीं है, सारे पत्थर भरे पड़े हैं। इस तरफ भी देखोगे सारा रास्ता पूरा पैक पहाड़ी वाला रास्ता जिसको बोलते हैं, सारा रोड ऐसा ही बना हुआ है जितनी देर से लगातार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है सुनी, सारा रोड ऐसा ही है। देख लिया तुमने बीच रास्ते में, तो हम लोगों को पूरा क्रॉस ही करके आना पड़ा। अरे यहां तो रोड ही गायब सी हो जाती है कई जगह तो। फिलहाल सोल टैक्स में है, यहाँ पे आर्मी बेस कैंप में, यहाँ पे खाने वाने का चाय वाय खुद देते हैं, और हमें मिला है ये सारी चीज़ें, लड्डू मैंने खा लिया और चाय भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भंडारा टाइप करते हैं, जो भी आते जाते हैं ट्रैवलर उनको खाने वाने के लिए देते हैं, बोल रहे हैं मंथ में एक बार हम ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, मतलब पुण्य कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ का लोकल डॉगी, फिलहाल हमें यहाँ बेस कैंप में प्रसाद हमने ले लिया, चाय पी ली, और जो प्रसाद मिला है वो किशमिश मुनक्खा ये सारी चीज़ें थी, किशमिश एंड काजू वाजू सब। यहीं पे टेंपल है, टेंपल में हाथ जोड़ लिया, हमारी जर्नी और अच्छे से एंड सेव होगी, तो अब आगे चलते हैं अपने टारगेट की साइड। मैं समथिंग स्पेशल को देखने को मिला ना तो ये मिला, अभी मैं पीछे पूछ रहा था कि लेक है जो सर्दियों में जम जाती है और इस पे बहुत लेट बर्फ़ पिघलती है क्योंकि नीचे से जमी होती है। फिलहाल देख लो कितनी मस्त लग रही है नहीं, सुपर यार। और वैसे भी इस जगह पे तो थोड़ा टेम्परेचर भी लो रहता है, अभी भी मैं देख रहा हूँ हम लोग हैं तोमसोंग करके कुछ जगह है इस जगह पे, तो यहाँ का टेम्परेचर फिलहाल अभी 60 डिग्री है सिर्फ, तो थोड़ा ठंडा यहाँ रहता है, इसलिए आप देखोगे तो यहाँ जमी हुई चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मिलती है। रास्ता कुछ इस तरह का दिख रहा है, रास्ता बढ़िया है वैसे, रास्ते में दिक्कत नहीं है, और ऑपरेशन हिमांग के तहत गवर्नमेंट यहाँ के रास्तों पर काम कर भी रही है। भाई देखो ये देखो व्यू, इसको बोलते हैं व्यू, पहाड़ों के साथ जो ये लेक है कितनी सुंदर लग रही है, और इसमें जो बीच में ये घास सी उगी हुई है ना, और बीच में रास्ता सा पानी का काट के जो बना हुआ है वो भी है। यहाँ के पहाड़ भी कुछ अनोखे से लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये हैं तो थोड़े रेतीले से टाइप, और जो इनकी बजरी है वो अलग अलग कलर्स के नीचे को ढलती हुई है, और साथ में बहुत अच्छी सी रिवर है पतली सी। यहीं पे बहुत सारे एनिमल्स पता नहीं वाइल्ड हैं कौन से हैं, कुछ घोड़े तो हमने देखे थे घास खाते हुए, तो वो तो वाइल्ड नहीं है, वो तो किसी ने पाले ही होंगे। और नीचे पुल भी आ रहा है शायद, इसी को हम क्रॉस भी करेंगे। अभी अभी जो बोर्ड पे नेम आ रहे हैं वो थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे, कोई 18 किलोमीटर दुर्बुक लिखा हुआ आ रहा था कि आने वाला है, इनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। दुर्बुक ये शायद छोटे छोटे विलेजेस होंगे, और उन्हीं के ये एनिमल्स जो हैं शायद वही घास वास चल रहे हैं खा रहे हैं। और ये ब्रिज भी हमने फाइनली क्रॉस कर लिया, लुकुंग 25 किलोमीटर दिखा रहा है बोर्ड पे, ये भी एक जगह, ये उससे आगे दुर्बुक से आगे होगा, और यहाँ पे बचने का बहुत थोड़ा सा रास्ता है, तो साइड में हमें रोकनी पड़ी, पहले ये ट्रक और गाड़ी निकलेगी उसके बाद हमें निकलना पड़ेगा।
फिलहाल टीडी कैफे एंड रेस्टोरेंट यहाँ पे पहुँच गए। उधर गए थे, वहाँ दुनिया भर की भीड़ थी, तो हमारी वहाँ लग ही नहीं रहा था कि हमारा नंबर भी आ जाएगा ऑर्डर देने का। और यहाँ पे सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई है। थोड़े से यहाँ आर्मी वाले उधर खड़े हुए थे, उनसे भी थोड़े पूछताछ कर लिए कहाँ से कैसे कैसे। पेंगोंग का रास्ता उधर से कट जाता है, उधर हमें नहीं जाना है। तो फिलहाल हमारा रूट रहेगा उधर से उधर जाना है। अभी ये नहीं पता है कि रूट बिल्कुल एक्यूरेट है, कहाँ है, कैसे है, कहाँ जाना है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम सियाचिन बेस कैंप तो आज नहीं जा सकते। हम 70 किलोमीटर से हैं और नहीं जा सकते, तो कहीं हमें रास्ते में सुमूर वगैरह कहीं ससोमा पता नहीं कहाँ रुकना पड़ेगा। गलवान वॉर मेमोरियल जो है उसके लिए भी बहुत डाउटफुल है। वैसे अभी किसी को भी इस बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं है, जो भी आर्मी वाले हैं वो भी पता नहीं कहाँ से पोस्ट हुआ हो क्या है, तो सबको हर जगह का पता नहीं होता है। जिस टाइम जहाँ जिसकी पोस्टिंग है वहीं के नियर पाएगा सबको नॉलेज होती है, पता होता है। तो अभी हम भी रास्ते में अभी आ गए चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, जहाँ नहीं रास्ता होगा वहाँ देखते हैं। कुछ यूनिक और कुछ नया देखने को मिलेगा जो हर कोई ब्लॉगर और वीडियो बनाने वाला नहीं। वो कितने टेस्टी, बस दो ही बचे हैं अभी, फटाफट पेट में डाल दिए बाकी सारे। मेरे लिए दो छोटे, सारे खुद ही खा। सॉरी, एक प्लेट और लगवा दें। भूख लग गई थी वैसे। टाइम क्या हो गया? दो दो बज गए हैं और हमने रात का आधा ही पार किया। चलो अब जल्दी से खा के आगे निकलते हैं। डिनर लंच हमारा हो ही गया बस, क्योंकि फालतू और ज़्यादा खाया भी नहीं था, तो बस इतने में खा के गुजारा कर लेंगे। आगे देखते हैं फिर क्या मिलता है शाम को। अब आज रात को अपने आप मैगी बना के गुजारा करना पड़ता है। पानी तो है हमारे पास, गैस भी है, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। क्यों ही हो, जो होगा साथ में मिल कर देख लेंगे। वैसे मोमोज कैसे लगे? पहाड़ों में पहली बार मैंने यहाँ, इसमें सोयाबीन वाले भी मिक्स हैं, इसमें सोयाबीन वेजिटेबल मिक्स। नहीं तो बस, हाँ नहीं तो बस वेजिटेबल वेजिटेबल वाले देते हैं। चलो चलते हैं फिर फटाफट। फिलहाल रास्ता देखो, रास्ता दोनों साइड कितने पतला सा, बहुत पतले से रास्ते आने वाले हैं। ये हमें पीछे ही पता चल गया था कि आगे रास्ते बहुत आगे पतले रास्ते हैं, जिसमें वन लेन ही है। और सायोग का आने वाला है, 13 किलोमीटर रह गया है, और उसी के बाद आगे देखना है रोड राड क्या है, क्या से क्या क्या सीन है, सियाचिन का क्या प्लान बनता है, और गलवान वॉर मेमोरियल का क्या बनता है। हमारे पास परमिट सब जगह के हैं, हम हर जगह जा सकते हैं, बस ये है कि जाना अलाउड होना चाहिए आगे, बाकी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। सामने पहाड़, ऊपर स्काई, ब्लू ब्लू स्काई, बहुत अच्छा सुंदर सा नज़ारा। वाओ वाओ वाओ, जितनी बार बोलो इतना ही कम वाओ। इतना सुंदर व्यू है, नीचे पानी, ऊपर जो ब्रिज बना है वो भी इतना सुंदर, पहाड़ों के बीच से
ये ब्रिज तो चार चांद लगा देते पहाड़ों पे। याक भी है यहाँ पे, वो हमारी किस्मत मिल सकते हैं कि नहीं। वैसे हमने फर्स्ट टाइम याक हमने उधर देखे थे पिंक वैली, पिन वैली में घूमते हुए मुद विलेज की साइड। अगर किसी ने मेरी मूड विलेज यानी कि विंटर स्पीति काजा के व्लॉग्स नहीं देखे तो आप वहाँ जाकर विंटर स्पीति काजा व्लॉग कंटिन्यू, सारी क्लिप्स सारे वीडियोस बैक टू बैक पड़े हुए हैं सीरीज उसकी, मेरे चैनल सोनी तोमर पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको याक वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएंगे, वहाँ की रोड वहाँ की लोकेशन सब कुछ वहाँ है। और यहाँ की लोकेशन अपना एक अलग व्यू दे रही है, कितनी सुंदर क्या ही मैं बता दूँ। ऊपर पहाड़, ऐसा लग रहा है पहाड़ों में से ही निकलते बढ़ते घुस रहे हैं। और इधर ग्रीनरी, ये रास्ते ना इतना सुख चैन देते हैं इंसान को, क्योंकि यहाँ पे शोर नहीं है, हबड़ दबड़ हबड़ दौड़ नहीं है, मतलब बहुत रिलैक्सेबल मूवमेंट होते हैं यहाँ पे आगे, क्योंकि सब लोग सारी दुनिया से कट के एक साइड आ जाओ, चिक चिक पिक पिक सब दूर, टेंशन फ्री हो गए। हाँ बस थोड़े हेल्थ को आपने थोड़ा मजबूत रख के आना पड़ता है, क्योंकि हेल्थ इशू यहाँ पे होते हैं, हाई पासिस वगैरह। सायक ओनली 10 किलोमीटर रह गया है, बहुत सुंदर है देखना ये रास्ता। ऐसा लगता है कि ये चढ़ाई के बाद पता नहीं कितनी गहराई आएगी आगे, पता नहीं रोड ही तो ख़त्म। ये देखो एक सिंगल पहाड़ बीचों बीच कैसे पहाड़ को निकला हुआ है, ये देखो। कैमरा इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है जितना कि रियलिटी में पहाड़ को निकला हुआ है, ऐसे मुंह से निकाले खड़ा हुआ है। यार यहाँ के पहाड़ों की बनावट तो कुछ अलग ही लग रही है मुझे, बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ की हवा में बहुत असर है, मैं थोड़ी सी देर भी अगर हवा में बाहर की साइड मुंह निकालती हूँ ना, मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया, इतनी तीखी है। और आगे मंदिर आ रहा है, हे भगवान रक्षा करना। ये कितना सुंदर मंदिर है, छोटा सा, इतनी दूर एक मंदिर मिल जाए तो कितना अच्छा सुकून मिलता है देखकर। पीछे तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। फिलहाल इस रोड पे, ये आप बता सकते हैं रोड है क्या है, कहाँ है, कैसे? बस एक थोड़ा सा पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है, बस पत्थर दबे हुए हैं, बाकी रोड का तो नाम निशान नहीं है। और पिछले कुछ देर से हम इसी रास्ते पे चल रहे हैं, अपने आप से ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ रोड है कहाँ नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर ट्रैवल करने वाला भी कोई नहीं है। सांस बहुत फूल रही है और गाड़ी उधर खड़ी है। फिलहाल रोड का हाल आप खुद देख सकते हैं, देखो रोड के बस दो निशान से है टायरों के, और उसके ऊपर भी पानी आ गया है। अचानक से पानी तो कहीं से भी मेल्ट होकर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे वैसे पता नहीं चल रहा है कि रोड है कहाँ, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। बताओ यहाँ पे तो बिल्कुल ही खो गई, कुछ पता चल रहा है नहीं ना, बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा है। वो गाड़ी आ रही है यही नहीं पता चल रहा है कौन से पत्थरों में को निकल के आ रही है। देखो ऐसा हाल है, बीच बीच में तो बिल्कुल गायब है, हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कहाँ रोड है कहाँ क्या है, बिल्कुल ख़त्म वो बीच में। अब थोड़ा सा रास्ता थोड़ा दिखाई दे रहा है उस आगे, ये पता है रिवर साइड है, बीच में रिवर ही बहती है, और ये रोड ना रिवर में मिक्स हो गई है,
आई थिंक यहाँ तक पानी आ गया हो या जो भी उसके साथ पत्थर वत्थर बह के आ गए हो, या फिर अभी पहाड़ वहाड़ तोड़ ताड़ के अभी पत्थर इक्वल करके यहाँ पे रोड बनाने का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। लो फाइनली एक रोड का टुकड़ा दिखाई तो दे रहा है, देखते हैं ये भी कितनी दूर तक है, कितनी दूर तक नहीं, कहाँ तक हमारा साथ देगी ये रोड। ये अब थोड़ा सुकून वाली शांति वाली रोड मिली है और हमारे साइड में ही सियोक रिवर बह रही है, बहुत ही सुंदर। वीडियो बनाने क्लिप बनाने के लिए बेसिकली गाड़ी की आते हुए की, क्योंकि रास्ता देख रहे हो सारा रास्ता ऐसा ही है, तो कहती है कि मैं एक ऐसी वीडियो बना लेती हूँ बढ़िया रहेगी और पूरे वापसी वाली वहां से पानी से चलते हुए निकल के आएगी गाड़ी। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना ले, अच्छी एक बढ़िया सी वीडियो आ जाएगी मेरी गाड़ी के साथ में ना ट्रेवल करते हुए गाड़ी से रिटर्न वाली। ऐसी जगह जिंदगी में आनी चाहिए, एक दो बार लाइफ में ऐसा ट्रेवल कर लो ना यादगार रहती है कि हाँ जिंदगी में हम कभी ऐसी जगह भी गए थे। चलो फिर अभी एक छोटी सी क्लिप शूट कर लूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आगे। इन रोड को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम रोड से भटक गए हैं, कहीं पत्थरों पत्थरों पे ही चल रहे हैं, रोड खो गई हमारी, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ आता पता ही नहीं है। सामने पहाड़ बस वो थोड़ी सी पट्टी सी दिखाई दे रही है, तो इस उम्मीद में हम इन्हीं पत्थरों पे चल रहे हैं कि उस इन पत्थरों को क्रॉस करके शायद वही एक रोड है। तो बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, पिछले आधा एक घंटा हो गया बीच में ऐसा टुकड़ा सा आता है साफ सा, बाकी फिर ऐसे पत्थरों में खो जाते हैं। बीच में इससे भी बुरी हालत वाले पत्थर और पानी वाला झरना सा आ गया था, तब तो ऐसे ही लग रहा था पता ही नहीं हम सही रोड पे चल भी रहे कि नहीं। इसी चक्कर में अभी दो तीन बाइकर्स थे, तो मैं एक गाड़ी की वीडियो बना रही थी बाहर निकल के, तो उनको भी थोड़ा ऐसे ही डाउट हुआ कि पता नहीं वैसे ही यहीं से वापस जा रहे हैं वीडियो बना के कि यहाँ पे रोड भी है, तो बोल रहे थे पेंगोंग लेक का रास्ता यहीं से ही है। मैंने कहा हाँ रास्ता यहीं से ही है, लेकिन खोजना पड़ेगा, कई जगह पे रोड इतनी डैमेज है तो रोड का अता पता सा नहीं है। वो बेचारे फिर उधर को निकल ही गए, वो भी ढूंढते ढूंढते ऐसे ही जाएंगे। पहाड़ों के बीच में उधर ऊंचे से स्नो की लेयर से ढके हुए पहाड़ दिखाई दिए, नीचे नदी, बीच में रोड, ऐसी कहां 4x4 थार जा रही है आगे और कहां हमारी वैगनार, ये भी किसी से कम नहीं।
सही में ये वाला रास्ता भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, हमें नहीं पता था ऐसा इतने किलोमीटर इतने पूरे दिन में निकलेगा, बहुत ज़्यादा लंबा। और रीज़न है डैमेज हुई रोड, इतनी गंदी रोड है इधर की, इधर से बहुत गंदी रोड, बहुत ही ज़्यादा, सोच समझ के ही आना पड़ेगा। बहुत अच्छा कर रहा है, कहाँ से अच्छा ऐसे बीच मान लीजिए, तुम्हारी कैसे हो रही है बीच में, ये बीच में है, अब भी सुनो एक, अब बीच में है, वीडियो को देखो, अपने फोन अपने हाथ को मत देखो, बीच में इतनी अच्छी सी रोड आ जाती है और बीच बीच में तो बिल्कुल खत्म रोड है, इसमें ढूंढना भी महाभारत हो जाता है। चलो इस रास्ते के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। ये रास्ता हम कारू से हमने लिया था, कारू से हम पहुँचे चांगला, चांगला के बाद हमारे पास जो जगह आती है वो आती है दुर्गुक, वहाँ से दो रास्ते कट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। आप राइट साइड में जाओगे तो वो आपको पेंगोंग लेक ले जाएगा, और उससे बाद में जो सीधी रोड है वो सियाचिन के लिए आपको ओपन मिल जाती है, और यही रास्ता आगे ऐसा हो जाता है जो रिवर के बीच से होकर निकलता है। और इतना पैथेटिक हालत है इस रोड की कि आपको मेरे स्क्रीन पे देख ही रहे हो क्या हालत है रिवर के अंदर बीच से, और अभी कहाँ, अभी तो आप देखो आगे आगे होता है क्या, अभी तो हम चल ही रहे हैं, इतनी बुरी भयंकर रोड के हालत जो है उसी में देखो। अब यहाँ ये भी नहीं पता चल रहा है किधर को मुड़ना है, बस ऐसे फैला पड़ा है, बस अपने आप राह ढूंढ लो। और ये भाई थार वाला अभी हमारे से आगे चल रहा है, और इसने हमारी अभी गाड़ी रोकी थी और बात की थी, और इसने बोला कि यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, तो क्योंकि हमें ऊपर से हम नीचे आए हैं थोड़ा सा बैक साइड, और इस रिवर का रास्ता हमें ऊपर वालों ने बताया क्योंकि वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर की साइड, हो सकता है आने वाले एक ईयर बाद ये कम्प्लीट हो जाएगा तो ये वाला रास्ता हमें नहीं मिलेगा, फिर ऊपर से अच्छा रास्ता मिल जाएगा। ये रिवर साइड से बनाया हुआ है, देखो पानी भी बीच बीच में आपको कितना मिल रहा है। और इसने हमें जैसे रोका तो इसने बोला कि मैं आगे आगे चलता हूँ भैया, आप मेरे पीछे पीछे ले लो, अगर कहीं आपकी गाड़ी स्टक हो जाएगी तो मैं आपको ना टो करके आगे के लिए आपको ले चलूँगा। तो भाई थैंकफुल है ये बंदा भाई जो भी है, लेकिन इसने हेल्प के लिए बोला। थोड़ा सा रास्ता साफ सा आया है, अब कितनी दूर तक ये रास्ता साफ है वो भी देखने लायक होगा, क्योंकि हम तो उम्मीद खोए बैठे हैं कि रास्ता साफ ही नहीं है, पूरी रोड ऐसी की तैसी टूटी फूटी सी अभी भी, पर पहले से तो बेटर है, बिल्कुल पत्थरों पे चलने से तो ये भी चल जाएगी, ऐसी भी नहीं हो ना, पूरी रोड तो ऐसे पे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस वो नदियों के जो पत्थर पड़े हैं ना रोड पे, पत्थरों ही पत्थरों पे चलना पड़ रहा है, उस पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाकी तो निकल ही जाएंगे जैसे तैसे। रास्ता ये थोड़ा अच्छा है, ग्रीनरी है साइड, ये वाला रास्ता थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम अभी कहीं अपने लोकल में ही ऐसे ही चल रहे हो, दोनों साइड जंगलों के बीच में है। इसने थोड़ी सी ना काजा वाली याद दिला दी, काजा के रास्ते वाली, वहाँ पे दोनों साइड है, दोनों साइड ग्रीनरी रहती है, इसी टाइप का ही होता है वहाँ पे, बड़ा सुंदर व्यू था, ये भी निकल गया लेकिन बहुत प्यारा व्यू था। अरे राम जी, अब तो इस रास्ते पे चल चल के जहाँ भी थोड़ा ऊपर नीचे से आता है ना और पत्थर से ज़्यादा दिखते हैं साइड में, डर सा ऐसा लग जाता है फिर कहीं ऐसी रोड ना आ जाए जैसी अभी थोड़ी देर पहले क्रॉस की है, कहीं ऐसी रोड ना आ जाए जैसी अभी थोड़ी देर पहले क्रॉस की है, पर अभी तो भगवान की दुआ से सब ठीक ठाक ही चल रहा है, रोड अभी अच्छी है, अभी नई ताज़ी बनी है कुछ टाइम पहले, ये भी वैसे काम चल रहा है इस रोड पर बहुत ज़्यादा, पर कब तक कम्प्लीट होगा ये कुछ पता नहीं है। फिलहाल रोड के साथ ये वाला व्यू देखो, कितना सुंदर पतला सा रास्ता लग रहा है, पीछे पहाड़ बिल्कुल ऐसे पत्थर पहाड़। लेकिन हाँ मैं क्या कह रही थी, मैं ये बोल रही थी, ये बता रही थी आपको कि ये रास्ता कितना सुंदर है, अब पहाड़ तो सामने से गायब हो गए लेकिन ये गैलरी सी बड़ी अच्छी सी चल रही है, गलियारा, और यहाँ किसी की मम्मी भी बैठी हुई थी रास्ते में,
फिलहाल समूर क्रॉस कर लिया है और अब हम समोसा कहने वाली थी मैं, ससोमा वाले विलेज में जाने वाले हैं। ससोमा यहाँ पे लेह में दो हैं, आपको बता दूं, एक तो लेह सिटी में जाते टाइम वहाँ उस रोड पे पड़ता है ससोमा, और एक आता है ससोमा यहाँ पे जहाँ सियाचिन बेस कैंप से पहले पड़ता है। तो ये वाला सियाचिन बेस कैंप से पहले जो ससोमा पड़ता है ये वो वाला ससोमा है। तो हम उस वाली रूट पे हैं और रूट अभी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। टाइम दिखा रहा है पहुंचने का 1 घंटा 38 किलोमीटर, ये दिखा रहा है 7:30 पे हम पहुंच जाएंगे। वैसे तो यहाँ 8 तक दिन होता है, तो दिन में हम ससोमा पहुँच जाएंगे। फिलहाल अपनी सकल सूरत भी दिखा दें तो हम ऐसे दिख रहे हैं, धूल मिट्टी फांक फांक के, चेहरे की रौनक बहुत अच्छी चमक रही है। आप ये कह सकते हैं क्या, तो पूरा दिन ट्रैवल करके ऐसी फेस हो गया है या इतनी धूल पत्थरों में से निकल निकल के ऐसे हो गए हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। पर आज का ट्रैवल इतना घटिया, जिंदगी में हमने ऐसा ट्रैवल ही नहीं किया। रोड नहीं, आफत थी, रोड ही नहीं थी, रोड तो खत्म थी, जगह जगह पे खत्म, ढूंढ ढूंढ की आंखें चार कर करके ढूंढ के निकाल लिया रोड कि हाँ इधर को हो सकती है, चलो इधर को चल लो। चलो हमने भी जैसे कैसे करके अपनी राह निकाल ही लिया, अब अच्छी राह पे चल रहे हैं। साइकिल लेके चढ़ रहे हैं इतने ऊपर, ओ उस चट्टान पे लेके चढ़ रहे हैं, पता नहीं किधर की साइड में उतारते चढ़ाते हैं। देखो कितनी दूर है, इनका भी अपना कुछ गेम है, घर वाले पता नहीं कहाँ हैं और ये अपना मस्ती करके साइकिल ले लेके और मस्ती करने के लिए निकल गए। डर भी नहीं लगता इनको। फिलहाल ससोमा रह गया है ओनली 28 किलोमीटर, 45 मिनट में पहुंच जाएंगे टाइम, 7:34। रोड है इस तरह की, कुछ इस तरह की, वेदर भी कुछ इस तरह का, सूरज छिप गया है पहाड़ों के पीछे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर, क्या है यहाँ पर है ससोमा ब्रिज, इसको ससोमा ब्रिज भी बोलते हैं और इसको तुम्बालवती ब्रिज भी बोला जाता है। फिलहाल ये लिखा तुम्बालवती ब्रिज, हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने। और ये यहाँ पे पहले जो था ऊपर ससोमा ब्रिज का बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन वो हट चुका है, शायद उसका नाम जो है अब चेंज हो गया। बट फाइनली पहुंच गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिर्फ 3 मिनट का रास्ता, और भाई बड़ी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में, और कुछ रास्ते तो इतने गंदे सफर तय करा हमने, बस पता ही है। फाइनली यहाँ पे आएगा चेक पोस्ट और चेक पोस्ट से आगे हमें जाने नहीं देंगे, आज का सफ़र हमारा यहीं पर होगा, यहीं पर हम कार कैंपिंग करेंगे, यहीं पर सोएंगे, और जो चेक पोस्ट है उन्हीं को रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हीं के आंसू बाजू ही सो जाएं, जिससे कि हमारा अगले दिन का सफ़र थोड़ा ज़्यादा आसान हो। और देखो सेफ्टी भी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मैं फील करता हूँ जितना मुझे लगता है। फिलहाल ससोमा पहुँच गए हैं, अभी फिलहाल बैठे हुए हैं ससोमा बेस कैंप, और यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो यहीं पे अभी वो अलार्म बज गया था, तो अभी चेक पोस्ट है यहाँ पे, अपनी थोड़ी फॉर्मेलिटी निभानी है, अभी थोड़ी बातें बातें भी चल रही है कि क्या है कैसे है, उसी बारे में डिटेल ली जा रही है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो इधर का डायरेक्शन दिखा सकती हूँ, ये लिख रहा सियाचिन वॉरियर्स, कितना अच्छा लिखा हुआ है, और ये रूट रहेगा आगे का जाने का।